हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए रेगुलर छोले और काले चने और आलू की मिक्स सब्जी लेकर आई हूँ। ये सब्जी मैंने विदाउट ऑनियन और गार्लिक के बनाई है। देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और ऊपर से मैंने तड़के के लिए जिंजर और ग्रीन चिल्ली यूज़ की है। देखिए दोस्तों, हमारी सब्ज़ी बनके कितनी अच्छी तैयार हुई है, देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ बॉयल पोटैटो मैंने इसमें डाले हैं। आप इसे रोटी के साथ, भटूरों के साथ, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। और छोले और राइस किसको पसंद नहीं है, वो तो हर किसी को पसंद है। छोले एंड राइस, राइस के साथ भी आप इस सब्ज़ी को ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आई नीड योर सपोर्ट। दिस रेसिपी वेरी नाइस, प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी। देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सावन में हर कोई ऑनियन और गार्लिक नहीं खाता है, जो नहीं खाता है मैं उनके लिए ये सब्जी लेकर आई हूँ। तो देखते हैं हम इसे किस प्रकार तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें काले चने और रेगुलर छोले ले लिए हैं। इन्हें मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था, अब इन्हें मैं बॉईल करूँगी। मैंने इन कुकर में डाल लिए, इनके साथ में आलू भी बॉईल करूँगी। मैंने यहाँ तीन बड़े आलू ले लिए हैं और इसमें अब मैं पानी ऐड करूँगी। पानी हमें उतना ही ऐड करना है जितना हमारे छोले कवर हो जाएँ। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, ताकि नमक जो है हमारे छोलों के अंदर चला जाए। अब मैं कुकर बंद करके इसमें छः सीटियाँ लगा लूँगी। छः सीटियाँ लगाने के बाद हमारे ये छोले पककर बिल्कुल रेडी हैं। देखिए दोस्तों, अच्छे से गल रहे हैं और ये हमारे आलू भी बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए कैसे बनाते देखते हैं। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है, बड़ा ऑयल। इसमें तेज़पत्ता डाला मैंने, बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो लौंग और जीरा। इसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिल्ली डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर को मैंने छीलकर छील लिया है और बड़ी बड़ी पीस में कट कर लिया है। मैंने यहाँ ग्रीन चिल्ली को सबसे पहले ऑयल में डाला है, उसके बाद टमाटर यूज़ किया है, ताकि ग्रीन चिल्ली का टीकापन जो है वो निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ मसाले ऐड करूँगी। यहाँ मैंने छोले मसाले 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 2 धनिया पाउडर यूज़ किया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले जले नहीं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी और मसालों को अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। इसे हम मसालों को पकने देंगे और कवर कर देंगे। अब हम अपने मसालों को कवर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे मसाले अच्छे से पककर रेडी हो गए हैं। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें अपने उबले हुए चने ऐड करूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम चने डालेंगे तो हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए और इन्हें हम मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ग्रेवी को थिक करने के लिए मैं इसमें अपने छोलों को थोड़ा मैश कर लूँगी। इससे आपकी ग्रेवी थिक हो जाएगी और इसका
सब्जी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें उबले हुए जो आलू हैं, दो आलू ले लिए हैं मैंने, वो डाल दूँगी। इन्हें मैंने रफली कट कर लिया है, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़े कुछ आलूओं को मैं इसमें मैश कर दूँगी, जिससे हमारी ग्रेवी जो है ठीक हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारी ग्रेवी कितनी ठीक हो चुकी है। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, जो जिस वाटर में हमने चने बॉईल किए थे वही वाटर हमें यूज़ करना है, उस वाटर को हमें फेंकना नहीं है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे हम कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी ग्रेवी और ज़्यादा थिक हो चुकी है। अगर आपको और थिक चाहिए तो आप इसे 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। अब 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। अब मैं इसके लिए तड़का तैयार करूँगी। तड़के के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, अगर आप चाहे तो तड़का घी में भी लगा सकते हैं। और यहाँ जिंजर ली है मैंने, ऑयल गर्म होने के बाद हम जिंजर डाल देंगे और स्लाइसेस मैंने ग्रीन चिल्ली के कट कर लिए हैं, वो डाल देंगे और इन्हें अच्छे से हम पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी सब्जी को प्लेटिंग कर लिया है और इसे मैं तड़के से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो गार्निश के लिए धनिया भी यूज़ कर सकती हैं, धनिए से रेसिपी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, कितनी लाजवाब लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।